अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। आज की वीडियो में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंटरव्यू टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश द सोसाइटी फॉर द एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम ओन। तो उसका अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है 4 सितंबर, सी ऑप्शन है 4 सितंबर 1817। नेक्स्ट है हमारे पास, पाकिस्तान रैंक्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने बताना है कौन से नंबर पर है, वो 8, 5, 6 या 5। तो पाकिस्तान का अगर नंबर देखें तो हमारे पास है 5th। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास, दामीन बादशाह डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर, कौन से रिवर पे बना था ये। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास डी, इंडस रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्लामा इकबाल रिसीव द टाइटल ऑफ सर इन, कब किया था, 1920, 1921, 1922 या 1923 में। तो राइट ऑप्शन हमारे पास 1923। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल विच वॉज पब्लिश इन उर्दू लैंग्वेज, कौन सी जो बुक थी उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश हुई है। तो इसका हमारे पास है बी, बांगे दरा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज कमीशन विद स्पोर्ट फ्रॉम, किसकी स्पोर्ट से किया गया था। तो कनाडा की स्पोर्ट से फर्स्ट जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट था वो कमीशन किया गया था। नेक्स्ट है, द कैबिनेट मिशन वाज फॉर्म ऑन द इनिशिएटिव ऑफ, किसकी इनिशिएटिव से कैबिनेट जो मिशन है वो बना था। तो इसका अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। ठीक है, हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द फर्स्ट खलीफत कॉन्फ्रेंस जो है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन डैश टोम, इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, 23 नवंबर 1919। नेक्स्ट हमारे पास, प्रेजिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना रिस्पॉन्डेड टू द नेहरू रिपोर्ट बाई अनाउंसिंग इज डैश इन दैट ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड एट। ठीक है, तो उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे, हमने बताना उन्होंने 14 पॉइंट्स कब दिए थे। राइट ऑप्शन है हमारे पास ए, 14 पॉइंट्स मार्च 29, और कहाँ दिया था, इन दिल्ली। नेक्स्ट है, हु मूव द रेजोल्यूशन फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है सर समीउल्लाह नवाब ऑफ ढाका। ठीक है, समीउल्लाह। नेक्स्ट है, व्हेन द इवेंट ऑफ द मिराज टुक प्लेस, मिराज का जो इवेंट था वो कब हुआ था, इट्स 26 फरवरी 621 AD। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इमामुल मुजम्मल। ठीक है, मुजम्मल का क्या मीनिंग है, द बिलीव इन बिलीव। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन डिड होली प्रॉफिट गो टू द परफॉर्म हज, कब कौन से में हाजिर उन्होंने किया था, 10 हिजरी में। राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारी जो नमाज वो फर्ज हुई थी, इट विल बी हमारे पास क्या है, 10 नबवी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ द 13, तो हमारे पास ये था हिजरत टू मदीना। नेक्स्ट हमारे पास, द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर आर, तो हमने प्रॉपर ऑर्डर बताना है इन सब ऑर्डर में से। अगर हम देखें तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, तौहीद, नमाज, ज़कात, सोम एंड हज, ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास, डैश लेटर इज मोस्ट यूज इन कुरान पाक, तो सबसे ज़्यादा कौन सा जो है हमारे पास वर्ड यूज हुआ है, इट इज़ अलिफ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ए, अलिफ। उसके बाद है द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान, कुरान का मतलब क्या है, इट इज़ अ फ्रीक्वेंट, जिसे ज़्यादा बार पढ़ा जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड। नेक्स्ट है अगर हमारे पास, हु वाज द हेड ऑफ द बोर्ड व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉपीज ऑफ मुसहफ अबूबकर, तो हमारे पास है हजरत जैद बिन, पहले वाला ऑप्शन हमारे पास जैद बिन साबित। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट ऑक्युपाइज ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड हैज ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट विद पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम एनी हायर अथॉरिटी, तो किसको होती है वो, इट इज स्टेट। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास, द ग्रुप्स ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय द बॉन्ड्स ऑफ द रेस लैंग्वेज कस्टम ट्रेडिशन एंड सम टाइम रिलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इट विल बी नेशन। नेशन के अंदर ये सारे एक ग्रुप की तरह आते हैं। नेक्स्ट है, कंट्री इन विच द टेरिटरी ऑफ द बोथ नेशन एंड द स्टेट कंसाइड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट विल बी नेशन एंड स्टेट।
नेक्स्ट टाइम आपके पास अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड ब्रूस हाउ मेनी आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजन. तो गुड सिटीजन की तीन क्वालिटीज होती हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ अ गुड सिटीजन. तो उसमें हमारे पास इग्नोरेंस बिगेस्ट ऑब्स्टेकल. नेक्स्ट है हमारे पास द स्कीम एंड द एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी बाउंड्रीज. वो किसी हम कहेंगे सोवरेनिटी. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन. इसके अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो हमारे पास है डी इसका इंडिपेंडेंट जुडिशरी. राइट ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक इन एंड आउट इन डैट ऑफ. तो इसका अगर हम देखें तो हमारे पास है सी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. द वन पर्सन वन वोट मीन इसका क्या मतलब है. इट्स मीन द वन पर्सन हैज वन वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज हु सेड द सिविक इज द साइंस दैट डील्स विद सिविल लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम. तो इसको बोला था पैट्रिक गैरीज ने. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट टाइम हमारे पास फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड. करेक्टली स्पेल्ड में अगर हम देखें तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास थेस्पियन ये करेक्टली स्पेल्ड है बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है. नेक्स्ट हमारे पास चूज द मीनिंग ऑफ द idiom फ्रेज फ्रॉम स्टेम टू स्टेम. फ्रॉम स्टेम टू स्टेम का मतलब है ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द शिप टू द बैक. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आगे अगर हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑन लैंड एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू द लार्ज असेंबली. तो इसका हमारे पास है हेरिंगे. ठीक है हेरिंगे. एक हमने छोड़ दिया द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idiom फ्रेज ले इट ऑन ए बिग थिक. ठीक है इसका अगर हम देखें तो इसका मीनिंग है हमारे पास एन एग्जरेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास 35 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर. इसका अगर हम देखें तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है डी शो. नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एन ऑफिस विद अ सैलरी बट टाइम नो वर्क. ठीक है बट लिटिल और नो वर्क. तो इसका हमारे पास है बी सैनिक्योर. नेक्स्ट हमारा वी विल सेलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे चेंज वॉइस. तो चेंज वॉइस करें तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है न्यू टीम विल हैव बीन सेलेक्टेड बाय अस ऑन मंडे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है हु वाज काउंट द स्टार्स इन द स्काई. इसका चेंज वॉइस करें हु कैन बाय हुम कैन बी द स्टार्स इन द स्काई काउंटेड. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट टाइम आपके ही साइड टू फर्क आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई शैल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर. तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम देखें तो इनमें से है ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है. ठीक है ही टोल्ड फॉलमा दैट ही कुड नॉट मैरी हर देन ही कुड श्योरली डू सो द फॉलोइंग ईयर. नेक्स्ट है हमारे पास 40 ही सैड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर मरी दैट नाइट. इसकी इनडायरेक्ट देखें तो आई इंटेंडेड टू लीव फॉर मरी टू नाइट ही सैड. ऑप्शन B is correct. Next हम उर्दू क्वेश्चन देखेंगे. इसमें हमारे पास पहला है उर्दू के पहले अवामी शायर का नाम बताएं. तो हमारे पास है नज़ीर अकबर आबादी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है अंग्रेजी ऐसे ऐसे को उर्दू में सबसे पहले किसने मुतारफ़ कराया था. तो सर सैयद अहमद खान ने कराया था. बच्चों के पहले उर्दू शायर कौन से हैं. वो है हमारे पास असलम मीर. ठीक है असलम मीर थी. नेक्स्ट है हमारे पास खफानी हिंद किस शायर को कहा जाता है. तो वो हमारे पास थे ज़ोक. ठीक है आगे हमारे पास उर्दू के शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है. किसको कहा जाता था मीर तकी मीर को. उसके बाद है हमारे पास अल्फाज जो काफ़ी के बाद मगर आए और बिल्कुल यकसा हो उसे क्या कहते हैं इट इज़ रदीफ. उसके बाद हमारे उर्दू के पहले नावल का क्या नाम है. तो मरातल अरूस उर्दू का पहला नावल है. नेक्स्ट है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमू जो मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मुहावरा बोलते हैं. उसके बाद है उर्दू अदब की पहली किताब कौन सी है. इट इज़ सबरस. ठीक है सबरस उर्दू की पहली किताब है. तो ये थे हमारे एमसीक्यूज जो हमने आज डिस्कस किए जो 19 February 2024 का पेपर हुआ था. इस तरह आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे जो बाकी पास पेपर्स होते हैं उन सबकी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे.